हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग डबल कंपैरेटिव्स एंड दिस इज द सेकंड पार्ट इन सीरीज़ द मोर आई थॉट अबाउट द प्लान द लेस आई लाइक इट देखिए इस सेंटेंस में आपको दो कंपेरेटिव डिग्रीज मिलेंगी ध्यान से देखिए और आपको पता चलेगा कि वो कौन सी कम्पेरेटिव डिग्रीज हैं वो हैं मोर और लेस ठीक है ये जो दोनों कंपेरेटिव डिग्रीज़ हैं इन दोनों से ही पहले हमने द लगाया हुआ है वैसे हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं लेकिन जब भी आप डबल कंपेरेटिव यूज़ करके इस तरह का कोई सेंटेंस बनाते हो तब आप वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द को यूज़ कर सकते हो ओके तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जितना ज़्यादा मैंने उस प्लान के बारे में सोचा और उतना ही मुझे वो कम पसंद आया ठीक है तो अभी हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर कंपेरेटिव यूज़ करते हैं दो कंडीशन में हम कंपेरेटिव डिग्रीज़ को यूज़ कर सकते हैं सेम सेंटेंस में टू से दैट वन थिंग डिपेंड्स ऑन द अदर थिंग फॉर एग्ज़ाम्पल दूनर द बेटर द सोनर द बेटर का मीनिंग होता है एज़ सोन एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके ओके okay? और देखिए और हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं टू से दैट समथिंग इज़ चेंजिंग कंटीन्यूसली फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू फाइंड अ जॉब जब आप कहना चाहते हो कि कोई चीज़ लगातार चेंज हो रही है कॉन्टीन्यूसली का मीनिंग होता है लगातार और यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू फाइंड अ जॉब इसका मीनिंग है कि लगातार ऐसा हो रहा है कि जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है ठीक है इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है तो अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊंगी। योर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है ये बेटर और बेटर होती जा रही है ठीक है बेटर का मीनिंग होता है पहले से अच्छी ओके तो ये पहले से और अच्छी होती जा रही है डे बाय डे आप ऐसा भी कह सकते हो कि दिन प्रतिदिन आपकी English इंग्लिश इम्प्रूव होती जा रही है और पहले से अच्छी होती जा रही है देखिए यहाँ पर दो कंपेरेटिव डिग्रीज़ को हमने यूज़ किया है तो अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे दीज डेज मोर एंड मोर पीपल आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज़ का मीनिंग होता है आजकल ओके okay? आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश सीख रहे हैं देखिए यहाँ पर भी हमने मोर एंड मोर को यूज़ किया है जो कि दोनों ही कंपेरेटिव डिग्रीज होती हैं ओके okay? आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली हो रहा है लगातार हो रहा है तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस बनाना था, बनाना चाहते हो जब आप बताना चाहते हो कि कोई भी काम जो है वो लगातार हो रहा है ओके okay, तो वो या तो वो अच्छा हो रहा है या फिर वो बुरा हो रहा है तो उसका जो आप कह सकते हो कि लेवल है वो इम्प्रूव हो रहा है या वो लेवल उसका डाउन जाता जा रहा है तो दोनों ही केसेस में आप कंपेरेटिव डिग्रीज़ को यूज़ कर सकते हो एक ही सेंटेंस में दो कम्पेरेटिव डिग्रीज़ यूज़ हो सकती हैं तो देखिए एक और सेंटेंस है यहाँ पर द मूवी वॉज़ गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मूवी ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी ओके okay, जब आप कोई मूवी देख रहे थे तो वो उसका इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा था यानी कि आपको वो मूवी पसंद आ रही थी ओके द मूवी वाज गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग टाइम के साथ वो मूवी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज लेसन थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.